और तर्क वितर्क तो रोज होता है आप लोगों से, आप जब किसी को समर्थन के बारे में बताते हो तो कुछ प्रश्न कॉमन आते हैं, वो जो कॉमन प्रश्न आते हैं उनका जवाब भी कॉमन ही है। तो हो सकता है कि यहां नए साथी हमारे हों या पुराने हों वो भूल गए हों, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पहला सवाल सबसे पहला आता है, हंस के लोग कहते हैं सामने वाले, और वो कहते हैं जो जानते हैं जो संगठन चलाते हैं, बिना नेता के और बिना राजनीति के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं हमारे समर्थ संगी जब बात करते हैं। बिना चंदा के कैसे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। इकट्ठे होके क्या करोगे कैसे करोगे? ये सवाल वो छोड़ते हैं। ये वो कॉमन सवाल हैं जो लगभग सारे समर्थ संगी कभी ना कभी या रोज जब भी बात करेंगे जब भी समझाएंगे ये उनको आएंगे ही आएंगे, ये फेस होंगे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि बिना नेता के कैसे? तो सवाल के बदले में आपको प्रति सवाल करना चाहिए, काउंटर सवाल करना चाहिए, काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि नेता से कैसे? अभी हम सवाल का जवाब बाद में देंगे कि बिना नेता के कैसे होता है, पर पहले ये बताओ कि नेता से कैसे हल हुआ, नेता से क्या हल हुआ, ये बताओ कि इतने सारे नेता हैं उनसे क्या मिला, उन नेताओं से किस नेता से आप खुश हो। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी नेता से खुश ही नहीं है और वो किसी को नेता मानता ही नहीं, और वो सारे नेताओं को कहता है ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये चोर है, ये कामचोर है, ये पैसे लेके भाग गया, इसने बेच दिया, ये पार्टी बदल ली, ये तो निकम्मा है, इसने अपने बच्चों को दे दिया, इसने अपने परिवार को दे दिया, इसने जमीन खा ली, इसने पैसा खा लिया, इसने चंदा खा लिया, 50 बातें बता देगा आपको, फिर भी कहेगा नेता तो चाहिए। ये मानसिक गुलामी है, यानी कि वो जानता है कि पिछले 70 साल में नेता से कोई समस्या समाधान नहीं हुई है, बल्कि नेता ही समस्या है, और वो इस बात को स्वीकार भी करता है। और आप उससे पूछ लो कि कौन सा नेता अच्छा है, वो सारे नेताओं को बकेगा, सारे नेताओं को कहेगा सारे नेता खराब है, और फिर भी कहेगा कि नेता के बिना कैसे। ये ठीक ऐसा है कि जैसे कोई आदमी शराब पी रहा है और शराब पी पी के मर रहा है और शराब से उसके सारे लीवर वीवर खराब हो गए, सारे मरने वाला है, कहता है फिर भी कहता चाहिए शराब। ये मानसिक गुलामी है, ये जकड़ा हुआ दिमाग है। ये याद आना पड़ता है कि हमारे पूर्वजों में कौन कौन से नेता थे, जरा बताओ। ये 70 साल को छोड़ दो, ये 70, 72, 75 साल को छोड़ दो, उससे पहले बताओ कि हमारे कौन से राजनीतिक नेता थे, कौन से नेता ऐसे थे जिनके नाम चले आ रहे हैं, जिन्होंने नेतागिरी की है और जिन्होंने नेतृत्व किया, बता दो। तो 0/0 सन्नाटा, आपको कोई भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा पिछले 70 साल 73, 75 साल को छोड़ दें कि जहां कोई नेता हमारा रहा हो। तो हो सकता है किसी संत का नाम बोल दे, हो सकता है बुद्ध का नाम बोल दे, हो सकता है किसी ऐसे क्रांतिकारी का नाम बोल दे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई वड़ाई लड़ी हो, तो वो नेता तो नहीं है। क्योंकि पुराने समय में अगर जाओगे और पुराने समय में देखोगे, पुराने अगर पन्ने पलटोगे, पाली के इतिहास में जाओगे, बुद्ध के इतिहास में जाओगे, पहले भी जाओगे, तो कहीं कोई नेता ही नहीं है। एक सांघिक प्रक्रिया है, एक संघ की प्रक्रिया है, और संघ ही संघ का नेता है, संघ ही हमारा नेता है, और उसके जो नियम है वही हमारा नेतृत्व करते हैं। और वही प्रक्रिया जो पुरानी प्रक्रिया थी, पुराना प्रोसेस था, वही डॉक्टर अंबेडकर ने सेम का सेम उठाकर उसको अंग्रेजी में बदलकर उसको सूत्रों की जगह उसमें आर्टिकल लिख के और उसको वहां लोगों द्वारा उसको अनुमोदित करा के, पूरे देश से अनुमोदित करा के उसको लागू कराया। उसको कहते हैं संविधान, समण संविधान, समणों का संविधान, सम्यक संविधान, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉमन इंस्टीट्यूशन। तो वो जो प्रक्रिया बाबा साहब अंबेडकर ने दी है, अब ये लोग क्या कहते हैं, कहते बाबा साहब ने नेतागिरी नहीं करी कहीं। अरे भाई, बाबा साहब ने अगर नेतागिरी की होती तो पहली बात तो ये कि वो हीरोशिप लिए मना क्यों करते, और दूसरी बात ये कि वो संविधान को सांघिक क्यों बनाते। पूरे देश की रचना बना रहे हैं तो क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे अपने लोगों के लिए सांघिक एक सिस्टम चाहिए? और उन्होंने सांघिक सिस्टम ही तो बनाए थे सारे सारे, कोई व्यक्तिवादी सिस्टम नहीं बनाए। उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए थे वो सांघिक तौर पर बनाए थे, पर लोगों ने उसको व्यक्तिवाद में बदल दिया, और जब व्यक्तिवाद नहीं चला उनका तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। क्योंकि जब व्यक्ति किसी सांघिक रचना को तोड़ता है तो वो दो टुकड़ों में या चार टुकड़ों में बढ़ती है, फिर उनमें कंपटीशन होता है और वहां व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। तो वो सारी बाबा साहब की जितने भी इंस्टीट्यूशन थे
आज उनका कोई ना कोई व्यक्ति मालिक है, और जो वो जब तक मर नहीं जाता जब तक मालिक रहता है, और मरने के बाद भी अपने बच्चों को स्थापित कर जाता है। सारे बाबा साहब का, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे वो समता समाज संघ तो खैर बन नहीं पाया, सपनों में रह गया, चाहे वो शुल्काश वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो पीपल सोसाइटी हो, आप किसी को भी उठा के देख लें, परिवारों का और व्यक्तियों का वहां झगड़ा है, कोर्टों में केस चलते हैं, ये तो वहां की बात है। और जिनका बस वहां से नहीं चला, उन्होंने अपने 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 बहुत सारे खोल लिए। इसलिए जब हम ये पूछते हैं उनसे कि बताओ नेता से उद्धार हो सकता है क्या, तो वो खुद ही कहता है नहीं, नेता तो सभी निकम्मे हैं। अरे भाई, जब सब नेता निकम्मे हैं और किसी की गारंटी नहीं है, और जो भी तुम जिसको समझते हो कि अच्छा होगा कुछ दिन बाद वो इसी को गाली बकते हो, उसी को तुम निकम्मा कहते हो, तो अच्छा नेता कहां से लाओगे और कैसे गारंटी दोगे कि अच्छा नेता है? एक व्यक्ति जो शुरू में पैदल चलता है, शुरू में कैडर लेता है, शुरू में भूखा रहता है, उसके पास मजबूरी है उसकी, उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो आता है, हमारा तो सारा सारा समाज भूखा नंगा है, तो किसी जिस भी घर से आता है वो भूखा नंगा घर ही होता है, और किसी के पास दो पैसे हो तो वो भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है। तो वो जो आते हैं, किसी भी घर से आते हैं तो भूखे नंगे होते हैं, तो सिवाय उनके पास पैदल चलने के अलावा, साइकिल से चलने के अलावा, या भूखे रहने के अलावा, या एक साधारण कपड़ों के अलावा, और होता क्या है? पर जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आके उनको लोग चढ़ा देते हैं और उनको पैसा भेजते हैं, तो वो फिर हीरे से और सोने चांदी से खेलने लगते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है उनसे खेलने लगते हैं, फिर उनके कपड़े बहुत रंगीन मिजाज के हो जाते हैं, फिर उनको बसें और जो रेल है वो धक्का लगती हैं, फिर वो जहाज में घूमते हैं और बढ़िया घूमते हैं, ये परिवर्तन हो जाता है उनमें, और फिर उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो नीचे कैडर तक नहीं आ सकते। एक उदाहरण नहीं है पूरे भारत में कि जो नेता जमीन पे बैठता था, जमीन पे खाता था, जमीन पे कैडर देता था, चारपाई पे बैठता था, और जो रूखी सूखी खाता था, जिसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, जिसके पास में पैसे नहीं होते थे, मांग के चंदा लेकर काम करता था, वो संपन्न होने के बाद दोबारा उस बस्ती में जाके कैडर दिया हो, एक उदाहरण नहीं है। यानी कि सारे नेता बदल जाते हैं, उनकी मनोस्थिति बदल जाती है, उनकी आदत बदल जाती है, फिर वो चाह कर भी नहीं आते और कुछ बहाने बना लेते हैं, कहते अब तो बड़े नेता हो गए हो, वहां जाओगे तो मारेंगे, आपको कोई गोली ना मार दे, आपको खत्म ना कर दे, आपको कोई हमला ना कर दे, अब आप इतने बड़े नेता हो, अब बस्ती में जाओ क्या, अब चीले चपटे जाएंगे, पर वो नहीं आता। इसका मतलब नेता की किसी की गारंटी नहीं है, एक सिंगल नेता नहीं ऐसा जो रिपीट होकर बाद में आया हो। तो व्यक्ति तो ऐसे ही करते हैं भाई, व्यक्तियों का दोष नहीं है। जो एक बार बड़ी गाड़ी में और गद्दे वाली सीट पर बैठ जाएगा वो क्यों बैठेगा स्टूल पे? जो एक बार बढ़िया भोजन खाएगा वो क्यों खाएगा जब उसे अवेलेबल है मिला? इसी के लिए तो संघर्ष कर रहा है वो, और सबको जनता को नहीं मिला तो उसका क्या, उसको तो मिला। इसलिए किस व्यक्ति पे आप यकीन करोगे और वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, उसकी गारंटी क्या है? भारत में नेता कैसे बनते हैं? भारत में जो नेता बनते हैं, पूछो उसे सवाल कि कैसे बनते हैं, तो कहेगा जी पता नहीं, यही कहेगा पता नहीं। पर आप उसे बताओ, भारत में नेता बनने की क्वालिफिकेशन है वो जेल जाना, वो जेल जाए, कहीं किसी एट्रोसिटीज में जाके वो लड़े मरे और दरोगा पुलिस से भिड़े, और दरोगा पुलिस से भिड़ने के सब नाटक होते हैं। एक टग ऑफ वार होता है कि तुम इतनी रस्सी खींचना, हम इतनी रस्सी खींचेंगे, अगर रस्सी टूट गई तो मारेंगे बहुत, जेल में जाओगे पिटोगे, कोर्ट में जाओगे मुकदमे भी लगेंगे, झगड़ा होगा। इसलिए ना पुलिस चाहती है कि उधर से ईंट पत्थर बरसे, और ना ही उधर के लोग चाहते हैं कि उधर से पुलिस की गोलियां आए, पर पब्लिक को दिखाना है क्योंकि हम नेता हैं। तो सारे के सारे जितने भी नेता हैं, एक तो वो एट्रोसिटीज होने के बाद जाते हैं, वहां जाके वो जो जिसके साथ एट्रोसिटी होती है वहां फोटो कराते हैं, उसके बाद वो पुलिस से बात करते हैं, कहीं कोई प्रदर्शन भी रखते हैं, बस एक दिन का प्रदर्शन होता है, कोई फॉलो अप नहीं होता। आज तक भी जितनी एट्रोसिटीज हुई हैं उनमें कानूनी रूप से सजा भी नहीं होती है, कोई नहीं आता पलट के, कोई नहीं देखता पलट के, पर नेता का काम हो गया। तो लोगों में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत के अंदर, उस समय वो उन लोगों को नेता मानते थे जिनको अंग्रेज उठा के जेल में भर देती थी, जेल में भर दिया, जेल में वहां रोटी पानी आराम से आ रही है, वहां किताबें लिख रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, और वो नेता बन जाते थे। पब्लिक कहते थे देखो वो फलाना आदमी वो जेल में है, वो नेतागिरी, वो कर नेता। पर जो मारे गए, जो जिनके परिवार खत्म हो गए, जिन्होंने युद्ध लड़े, उनका कहीं कोई नाम नहीं है, पर जेल वालों का नाम है, जो सुरक्षित थे जेल में वो नेता बने। तो जो व्यक्ति नेता, जो व्यक्ति जेल में चला जाता है, हमारा समाज उसको आज भी नेता मानता है। किसी भी नेता की कोई बैकग्राउंड कोई चेक नहीं करता। आप पूछो उनसे,
जो लोग आपसे सवाल करें कि आप जिसको नेता मानते हो, आप बताओ कि आपने कितने नेताओं की बैकग्राउंड चेक की है, ये नेता क्या आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या करते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई नेता कोई रोजगार ही नहीं करता, सबका रोजगार पॉलिटिक्स है, सबका रोजगार नेतागिरी है। तो उनके घर कहाँ चलते हैं और सबके घर हैं बसे हुए, एक इक्का दुक्का को छोड़ दें तो, अगर उसका इक्का दुक्का का घर नहीं होगा तो वो ताऊ चाचा में उलझा हुआ होगा, यानी उसके और परिवार है उसको घर मानता है। तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे, जितने भी नेता हैं अगर आप देखोगे तो उनमें कोई काम ही नहीं करता, उनके पास रोजगार का साधन ही नहीं है, वो जनता के ऊपर पलते हैं, जनता उनको पालती है तो उसको नेता मानते हैं। जो गोल गले का कुर्ता पहन लेता है और गोल गले की एक अचकन सी पहन लेता है, टोपी लगा लेता है, लोग उसको नेता मानते हैं, यानी कपड़े पहनते ही नेता हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ 256 लोग बैठे हुए हैं, एक सफेद कुर्ता पजामा छपाइए कलर वाला और जो कलर वाला वैसा हो, और एक टोपी पहनिए और एक अचकन पहनिए और कहीं भी निकल जाइए, 10 आदमी आपको मिलेंगे तो आपको 5 जरूर कह देंगे कि आओ नेताजी बैठो यहाँ, यानी कपड़ा पहनते ही नेता हो जाता है। जो ऊंचा ऊंचा भाषण देता है और खूब झूठ बोलता है और खूब लोगों को भड़काता है और खूब ऐसे भाषण देता है जिससे लोगों के मन की बात होती है, लोग उसको नेता मान लेते हैं। और कई बार तो इसलिए भी नेता मान लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो यही ठीक है। तो यहां जिसको नेता मानते हैं और जिसको नेता कहा गया है उसकी डेफिनेशन ही अलग है, तो उनसे पूछो कि भाई ऐसे नेता चाहिए क्या? और वो नेता तो बिकेगा ही बिकेगा, जो गरीबी से आया है, जो भुखमरी से आया है, वो तो आया इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसका तो ये रोजगार है, उसका तो ये बिजनेस है। तो जब नेता की बात आपसे कहें तो आप कहना कि भाई इसलिए संघों के अंदर नेता नहीं होते क्योंकि पहले भी कभी नेता नहीं हुए, और बाबा साहब ने साफ मना किया हुआ है, और बुद्ध ने तो अपना परिवार ही खत्म कर दिया, उन्होंने कोई नेतृत्व की बात ही खत्म कर दी, संघ को ही सबसे बड़ा माना और संघ को ही नमामी की है, संघ को ही नमन किया है, उन्होंने किसी व्यक्ति को नमन नहीं किया, उन्होंने किसी व्यक्ति को हाथ जोड़ के नहीं कहा कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है, उन्होंने संघ को सर्वोपरि माना है। इसलिए बिना नेता के काम संविधान में चल सकता है, देश का चल सकता है, तो हम तो देश से छोटे ही हैं, हम तो संविधान से छोटे ही हैं, भाई हमारा काम क्यों नहीं चलेगा और चल रहा है, इसका वो जवाब दे नहीं पाएगा। तो जब पूछे राजनीति के बरा कि भाई बिना राजनीति के कैसे होगा, तो उसको बोलो कि भाई बिना राजनीति के ये बताओ कि राजनीति कितने दिन से आई है और तुम कितने दिन से राजनीति कर रहे हो, क्या उससे पहले तुम सम्राट नहीं थे, क्या उससे पहले तुम राजा नहीं थे, क्या उससे पहले देश के मालिक नहीं थे, क्या इतिहास नहीं पढ़े हो, क्या उससे पहले पार्टियां थी, क्या उससे पहले पॉलिटिक्स थी, तो इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि राजनीति वहां से आरंभ होती है जहां संघ होता है। जिनके पास संघ होता है वो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, राजनीति उनके लिए पैर का नाखून के बराबर है, पैर की जूती के बराबर है। राजनीति तो रोज बदलो, जैसे महिलाएं अपना नेल पॉलिश लगाती हैं अपने अंगूठे पे, अपने नखून पे जैसे पेंट लगाती हैं वो, और जैसे हरी साड़ी पहनती है तो हरा लगा लेती हैं, लाल साड़ी पहनती है लाल लगा लेती हैं, वैसे राजनीति है। जिसके पास संघ है वो रोज राजनीति करे, रोज बदले, रोज प्रधानमंत्री बदले, रोज मुख्यमंत्री बदले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसके पास संघ नहीं है और वो गलती से मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, गलती से बन जाए, तो हाथ जोड़ेगा तो कुछ दिन चल पाएगा, उसके पीछे कुछ तो है ही नहीं, और हाथ नहीं जोड़ेगा तो ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं, निकाल के बाहर कर देंगे, कोई और आ जाएगा। पर जिनका संघ होता है उनका प्रधानमंत्री हाथ जोड़े या ना जोड़े, जब तक संघ चाहेगा वो बना रहेगा, उनका मंत्री जब तक चाहे, जब तक संघ चाहे जब तक बना रहेगा, क्योंकि संघ में शक्ति है, राजनीति में शक्ति नहीं है। ये बात आज के उदाहरण से आप उनको समझा सकते हो कि भारत में वही लोग ताकतवर हैं राजनीति में जिनका संघ है, राजनीति से संघ नहीं बनाए, पहले राजनीति आई उसके बाद संघ बनाए, ऐसा नहीं हुआ है, पहले संघ बना है फिर राजनीति के मालिक हुए हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति सब कुछ है, अरे भाई सब कुछ हो सकती है क्योंकि आपको कानून बनाना है, सत्ता मिलती है, सारे अधिकार यहां से मिलते हैं, मानते हैं, पर उसको लाने के लिए आपको इकट्ठा तो होना पड़ेगा, आपको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको अपना संघ बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप जोड़ते रहो हाथ, कहीं बन जाओ कोई मंत्री संतरी मुख्यमंत्री वगैरह 2-4 दिन के लिए, उन्हें कौन पूछता है, कौन नहीं पूछता, वो तो बस किसी की दया पर किसी की मर्जी पर रहते हैं। तो सवाल आता है, वो कहते हैं जी बिना चंदा के कैसे होगा, ये बात कन्विंस कर लेगा वो तो पूछेगा कि बिना चंदा कैसे होगा, क्योंकि वो चंदे ले देते हैं। 29 लाख संगठन इसलिए परेशान हैं, उनकी इसलिए बड़ी आफत आ रखी है क्योंकि लोगों ने चंदा देना मना बंद कर दिया है। आज बता रहे थे हमारे जो
समर संघी है अतेंद्र सर, वो कह रहे थे कि कोई पार्टी का नेता आया, उन्होंने समर संघी किताब दी, उस पार्टी के कार्यकर्ता ने बात की, सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम एक पार्टी कार्यकर्ता हो, एक पार्टी के कार्यकर्ता से क्या बनेगा, आप सारी पार्टी को एक साथ आना चाहिए, इस पर वो बिखर गए, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, जब तुम टूट सकते हो तो तुम्हें इकट्ठा होने में शर्म आती है क्या? पर ये नेतागिरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी पार्टियां आएंगी तो सबकी चलेगी, लोगों की चलेगी, फिर वो इकट्ठे ना हो। उसके बाद उन्होंने चंदा मांगा कि हम इतने दूर से आए हैं, कुछ पार्टी के लिए चंदा वंदा दो। अब संघियों ने कह दिया जी हमें तो चंदा देने के लिए मना किया हुआ है संघ ने, जब आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो ले जाना चंदा, इकट्ठे होके आओगे तो ले जाओ, चंदे को मना ही नहीं है, पर देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। वो चले गए झगड़ते हुए लड़ते हुए अपना समूह लेके, जाओ सब जगह ऐसा ही हो रहा है। इसलिए सारे संगठन जितने भी 29 लाख संगठन है उनका आखिरी फेज है, उनका आखिरी दौर चल रहा है। उन्हें पता है कि संघ तो कभी खत्म होते नहीं, संघ आज तक ना खत्म हुए, संघ कमजोर हो सकते हैं, संघ धीरे चल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर संघ खत्म नहीं होते, पर संगठन खत्म होते हैं। संगठन गिर जाते हैं, चित्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं जैसे खरपतवार होती है। और संघ समझो जैसे विशाल बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लंबा चौड़ा होता है, जितना लंबा उतना चौड़ा बरगद का पेड़, इसकी जो शाखाएं लटकी रहती हैं दूर दूर तक और घना छांव वाला होता है। तो क्या होगा फिर ये होगा कि वो सारे लोग बार बार कहेंगे जी कि इनका चंदा कहीं बाहर से आता होगा, कोई इनको फाइनेंस करता होगा, कोई पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा, बिना चंदे के कैसे कर लेंगे? क्योंकि उनके जो कार्यक्रम 20 लाख रुपए में होते हैं वो कार्यक्रम हम संघियों के 350 रुपए में हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपना खाने का पीने का बैठने का 350 रुपए देता है, और उसमें भी लास्ट में पैसा जब शाम को 4-5 बजे हिसाब देता है संघ, तो कहता है जी इस बार 30,000 रुपए बच गए, इस बार 20,000 रुपए बच गए, अब हमारी संघ जो संघियों की संगति लगती है उसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है जो हमारे रोजमर्रा के काम में खर्च हो जाता है, जैसे जूम का खर्चा है या कहीं छोटा मोटा खर्चा ऐसा आता है जो सामूहिक खर्चा होता है, जो करना होता है। तो हमने तो कहीं 20 लाख रुपए खर्च किया नहीं, और उससे बढ़िया संगति लगती है हमारी और सब खुश होकर जाते हैं, और किसी के दिमाग में वजन नहीं, किसी को जोर नहीं पड़ता कि 10,000 देने या 5,000 देने या 15,000 देने, और संगति बहुत बढ़िया होती है, खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, पारिवार होती है। तो उनको ये कहना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा ये डाउट है कि हमें कहीं पैसा बाहर से आता है, संघ को कहीं पैसा बाहर से आता है, तो उसका खाता चेक कर लो। तो क्या चेक करोगे, हमारे पास तो खाता ही नहीं है, संघ का नियम है खाता है ही नहीं, और अब तो संघ का डायलॉग भी है ना खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही, तो हमारा खाता बही तो है नहीं, तो क्या चेक करोगे? जब हमारा डिक्लेयर्ड है कि हमारा कभी खाता बनेगा ही नहीं, संघों के खाते होते नहीं है, तो हम पैसा काय मिलेंगे? और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि लेन देन सारा आपको अकाउंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, और खास तौर से मोटी रकम तो अकाउंट के थ्रू ही आती है, छुट्टी तो आती नहीं, और विदेश से तो पैसा ले नहीं सकते क्योंकि विदेश का पैसा तो बंद है, यहाँ के जितने भी संस्था हैं उनके लिए बाहर का जो पैसा है फॉरेन एड्स है वो बंद है, तो बाहर का पैसा आ नहीं सकता, तो फिर पैसा आ ही नहीं सकता हमारे पास, तो तुम कैसे ब्लेम लगाते हो? चलो मान लो अगर आपको फिर भी डाउट है तो भाई संघ में विजिटर्स के रूप में आ सकते हो आप, ये ठीक ऐसे जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो विजिटर आते हैं वो बैठ जाते हैं, देखें कार्रवाई कैसे कैसे नहीं है, वैसे ही यहाँ 3 घंटे रोज खुलता है, हाउस में भी आ सकते हो, यहाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है, आओ और आके देखो, या इससे भी मन नहीं भरता है तो टेम्परेरी रूप से संघी बन जाओ और महीने 2 महीने या देखो काम करके, काम ना भी करो तो काम को देखो कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो बिना पैसे के लेन देन के भी काम चलता है, और हमारा क्या चलता है, हमने तो जिनसे सीखा है वो बिना पैसे के लेन देन के काम चलते थे, जो पुराना समर संघ जो इतने दिनों से चला आ रहा था उसमें एक भी कहीं ऐसा वाक्य नहीं है, ना बुद्ध के साहित्य में है, ना भिक्खु संघ के साहित्य में है, ना कहीं है, ना किस्से में, ना कहानियों में, कि जब कभी पुराने समर संघ ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया हो, या इसीलिए इकट्ठा किया हो कि कोलियों से युद्ध होगा लाओ जी पैसा दे दो, या साक्यों से युद्ध होगा, साक्य समर संघ से युद्ध होगा लाओ पैसा दे दो, एक कहानी नहीं है। इसलिए चंदा ना लेता था संघ ना देता है, पर अपने खर्चे खुद करता है, तो ये प्रश्न भी आपका चला जाएगा। फिर वो पूछेंगे जब सच्चाई तब से हार जाएगा तो कहेगा अच्छा इकट्ठा होके करोगे क्या, क्योंकि अधिकतर लोग ये सुनना चाहते हैं कि आखिर हम करेंगे कैसे, ये समर संघ हमको कैसे दुखों से मुक्त कराएगा, ये उनकी जिज्ञासा है। वो नेता लोग हैं, वो दरअसल जो काम करने वाला है, जो जुड़ने वाला है, जो समझदार व्यक्ति है, जो संगी हो चुका है, उसका प्रश्न नहीं आता, पर जो सामने नेता मिला है जिसको समर संगी सिखा रहा है
वो समर संघी को डाउन करने के लिए, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हराने के लिए, उसको तर्क वितर्क में हराने के लिए और जीतने के लिए हर आचारों तरफ से, तो वो लास्ट में ये तीर फेंकता है भाई इकट्ठा होकर क्या करोगे। क्योंकि इकट्ठे होने के बाद में लोग क्या करते हैं, या तो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, या वो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, या कोई पैसे का लेन देन का बिजनेस व्यापार खोलते हैं तो पैसे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं ये, या कोई एजुकेशन का काम करते हैं, एजुकेशन का काम आगे बढ़ाते हैं, मोस्टली ये काम करते हैं लोग। पर समर संघ ने तो डिक्लेयर किया नहीं कि इनमें से कोई काम करेगा, पर समर संघ ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि वो इनमें से कोई काम छोड़ेगा भी, क्योंकि समर संघ ये कहता है कि इकट्ठे होने के बाद जिसको जो काम करना है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है, जो जिस विद्या में पारंगत है, जो जिस लाइन में जाना चाहता है, वो उस लाइन में जाए, वो सफल होगा, क्योंकि लोग चाहिए सब काम के लिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो लोग चाहिए, अगर आपको धार्मिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको आर्थिक काम करना है तो लोग चाहिए, अगर आपको कोई सामाजिक काम करना है तो लोग चाहिए। जब सारे लोगों को एक साथ आप पहले ही इकट्ठा कर चुके हो तो बताओ कौन सा ताला खोलना है, सारी चाबी आपके जेब में है। अब आप धार्मिक ताला खोल लो, अब आप सामाजिक ताला खोल लो, आप राजनीतिक ताला खोल लो, अब आप एजुकेशन का ताला खोल लो, यूनिवर्सिटी का ताला खोल लो, जमीन का ताला खोल लो, लड़ाई का ताला खोल लो, भिड़ाई का खोल लो, करुणा का खोल लो, मैत्री का खोल लो, कोई नया मत बना लो, कोई नया पंथ बना लो, जो चाहो वो कर सकते हो। जिनके पास संघ होता है सारे ताले चाबी वहां से चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं कि इकट्ठा होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हमारे मुंह से ये सुनना चाहता है एक चीज बता दो, एक चीज बता दो। अब जो भी आप बताओगे उसी में आप फंस जाओगे। मान लो आपने कह दिया कि हम तो धर्म का काम करेंगे, तो वो आपको 100 उदाहरण बता देगा कि धर्म में तो सब जी के काम कर रहे हो तो फेल है, जितने भी धर्म के लोग काम कर रहे हैं वो सब फेल है, धर्म तो बढ़ ही नहीं रहा आगे, कोई सा भी मत है, हम तो सभी समणों के सारे मतों की बात करते हैं। तो वो आपको, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप कहोगे हाँ ये तो बात सही है, कोई मत नहीं चल रहा, सारे मत लड़ रहे हैं आपस में, ये बात तो संघ खुद भी कहता है और आपने खुद कही थोड़ी देर पहले। गलती से आपने कह दिया कि हम तो ताला चाबी खोलेंगे, तो कहेंगे जी ताला चाबी खोलेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तुम क्या कर लोगे, तो कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आपने ताला चाबी खोलने के लिए कहा तो फौरन कह देगा फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, फलानी पार्टी है, तो तुम क्या कर लोगे, नहीं, और ये बात सही है, क्या कर लोगे भाई, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आपने कहा जी हम सामाजिक काम करेंगे, तो सामाजिक संगठन तो बहुत सारे हैं, वो फ्लॉप हो गए, वो खराब हो गए, वो टूट गए, वो बट गए, तो आप ही कौन सा नया तीर तीर मार लोगे। इसलिए जैसे ही मुंह खोलोगे आप वैसे ही फंस जाओगे। पर समर संघ ये कहता है कि हमें मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बात ये कहनी है हमें कि आप बताओ आप क्या करना चाहते हो। जब आप उससे पूछोगे कि आप क्या करना चाहते हो तो वो बताएगा कि जी वो राजनीति में जाना चाहते हो, तो कर वेरी गुड, जाओ भी राजनीति में, कौन मना करता है, पर लोग तो चाहिए ना, इकट्ठे तो करोगे, बिना इकट्ठे हुए चले जाओगे तो यहां वो फंस जाता है। कोई कहे जी मुझे तो बुद्धिस्ट भारत बनाना है, बौद्ध में भारत बनाना, तो कह रहे वेरी गुड, बनाओ भाई, अच्छी बात है, हमारी पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा भारत कभी गौरवशाली रहा है, पूरी दुनिया में आज भी जाना जाता है, कौन मने करता है, पर लोग तो चाहिए, बिना लोगों के इकट्ठे करे कैसे। बुद्ध ने भी पहले लोग इकट्ठे किए, तभी तो जाके इसको धम्मिक भारत बनाया था, तभी तो आभारत बनाया था, आभा का भारत बनाया था, तो बिना इकट्ठे हुए तो बुद्ध ने भी नहीं बनाया, तो तुम्हारी क्या औकात है भाई, तो समझ में आ जाएगा उसको कि बात तो ठीक है। तो वो बताए हमें कि वो क्या चाहता है, और फिर उससे अगला सवाल करो कि ये काम बिना लोगों के हो सकता है तो बता। तो हम यहां काम बाद में करेंगे, पहले लोगों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे दो व्यक्तियों में जब झगड़ा होता है तो दोनों बराबर के होते हैं, और उनमें से एक पक्ष वाले के साथ में अगर दो व्यक्ति आ जाए तो जो सामने वाला है वो कमजोर पड़ जाता है, वो कहता है भाई साहब मैं तो वैसे झगड़ा करा था कोई बात नहीं, पर जब उसके साथ भी चार लोग आ जाए और वो दो रह जाए फिर वो कहता है बताऊंगा तुझे क्या है क्या नहीं है। यानी जिसका संघ बढ़ता जाएगा उसका कारण वारण कुछ नहीं है, वो बलशाली होता जाता है और उसकी आवाज में दम आता चला जाता है। ये सिद्धांत है जीतने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संविधान कहता है। इसलिए आप सन्निपात बाहुल करेंगे, आप बहुत ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे तो गांव में भी जीतेंगे, मोहल्ले में भी जीतेंगे, जहां आप काम करते हैं वहां भी जीतेंगे, जहां जहां आप इकट्ठा होकर संघ में रहेंगे वहां वहां आपकी जीत होगी, और जब जब आप संघ में इकट्ठा होते रहेंगे तब तब आपकी जीत होगी। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये कभी फेल नहीं हो सकता, ये सनातन है,
ये हमेशा से चलता आया, ये प्राकृतिक का सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत पे चलते हुए हमें तेजी से आगे बढ़ना है और इस पे काम करना है। इसीलिए हमको सन्निपात बाहुल में लगातार लगातार लगातार, अब इसके नियम आ रहे हैं कि सन्निपात बाहुल में कैसे हमें उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रमण डायरी आ रही है,